हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्विज कंपटीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस क्विज कंपटीशन को कंप्लीट करने के बाद में जिनका भी स्कोर 60% से अबव रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज के अंदर अपने ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट जिनका भी स्कोर 60% से अबव रहेगा उन सबको पक्का मिलेगा। ठीक है, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस क्विज को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्विज को खुद से किया है और मेरे अधिकतर क्वेश्चन सही है। और अगर आप मेरे आंसर देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपने आंसर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और आप जो है आप खुद से भी इसको कीजिएगा। ठीक है, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप कंप्लीट वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको क्विज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऑनलाइन इंटरनेशनल क्विज ऑन जियोलॉजी, दिस क्विज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए जियो विज्ञान। ठीक है, तो इस क्यूज में जो जिनका भी स्कोर 60% से अबव रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, 1 वीक के अंदर ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्यूज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो टोटल पॉइंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 100। ठीक, और यहाँ पर आपको इस फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑनलाइन क्यूज विल बी हेल्ड थ्रू गूगल फॉर्म, द क्यूज विल कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप, आंसर टाइप एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, देयर आर टोटल 100 पॉइंट्स फॉर ऑल क्वेश्चंस, दूज हु स्कोर 60% और अबव मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड ई सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज। ठीक है, क्यूज का स्टार्टिंग डेट है 15 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 तक। ठीक, तो आपको इसमें सारे डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करना है जो भी आप सर्टिफिकेट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस क्यूज को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले तो आपको फॉर्म पूरा फिलअप कर देना है, फिलअप करने के बाद में आपको क्यूज को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आप मेरे आंसर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है, मेरे आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैंने खुद नहीं किए हैं। ठीक है, अधिकतर आंसर्स सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्यूज को मैंने भी अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने किया है इसमें क्रस्ट। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन के आंसर सही है। ठीक है, बट आपको खुद से भी ट्राई करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसमें क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रियलिटी इज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर किया है मैंने ग्रांटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका मैंने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, वाटर लेवल इज अबोव ग्राउंड लेवल। ठीक है, आपको खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, नहीं बनता है तो आप मेरे आंसर्स भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइंस डार्सी लॉ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू इक्वल टू के अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मेसिक वेव इन अर्थ क्यूब ऑफ मैग्नीट्यूड 4 ऑन दी रेक्टर स्केल इज लार्जर देन दैट ऑफ इन अर्थ क्यूब ऑफ मैग्नीट्यूड 2y। ठीक है, तो इसमें इसका 1000 times इसका राइट आंसर डी किया है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्री रॉक डू सिंक होल्स डेवलप। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर किया है मैंने सैंडस्टोन। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का आंसर किया मैंने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का मैंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का आंसर किया है मैंने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का आंसर किया मैंने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का आंसर किया है मैंने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है, 20 का आंसर किया मैंने ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 का आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसका आंसर मैंने किया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसका आंसर मैंने किया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर मैंने किया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका आंसर किया है मैंने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर मैंने किया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो फ्रेंड्स, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ये मेरे से नहीं बन रहे हैं। ठीक है,
तो ये मैंने इसमें कुछ भी फील कर दिया है, तो आप इनको बनाने का ट्राई कीजिएगा खुद से भी, ठीक है ना। तो ये मेरे आंसर्स थे, मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। आप चाहे तो आंसर्स देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जिनका भी स्कोर 60% से अब रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 वीक के अंदर ईमेल आईडी पर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्यूज को सॉल्व करना है, और लास्ट में क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस करना है और आपको क्यूज को सबमिट कर देना है। क्यूज सबमिट करने के बाद में जो है आपका क्यूज क्या है, यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आपको शो होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रेस्पॉन्स, इफ़ यू हैव स्कोर 60% और अबव देन दी सर्टिफिकेट हैज बीन सेंड टू योर मेल आईडी, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट है वो आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा, ठीक, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।